हेलो एवरीवन, दिस इज योर जीके क्लास। आई एम जीके टीचर शारिक खान। इस क्लास में हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो चैप्टर्स आपको कॉपी में करने हैं, राइट। जो चैप्टर्स आपके एनिमल्स डायग्राम वाले हैं, जिसमें एनिमल्स दिए हैं, जो आपको कॉपी में नहीं करना है वो आप बुक से फिल कर लेना डायरेक्ट। देखिए, चैप्टर 6 वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। विच ऑफ दिस इज फाउंड नेचुरली ओनली ऑन दी मेडागास्कर एंड कोमोरो आइलैंड। ये आइलैंड्स के नाम है, तो यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है, तो वो एनिमल है आपका लेमूर। कौन सा एनिमल मिलता है यहाँ पर, लेमूर। नेक्स्ट, द अपर कैनाइंस ऑफ डैश आर द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट। सबसे बड़े और सबसे भारी कैनियंस होते हैं ये, जिन्हें हम बोलते हैं वाल्रस। क्या बोलते हैं, वाल्रस। नेक्स्ट, द नंदन कैनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। इज द फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर फॉर। ये पहला सेंटर है जहाँ पर किसे रखा गया है, घड़ियाल को। किसे रखा गया है, घड़ियाल को। नेक्स्ट, विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड बाय एन अग्रीमेंट दैट अलाउज इट टू बी हंटेड ओनली बाय द लोकल पॉपुलेशन यूजिंग ट्रेडिशनल वेपन्स। तो एक लॉ है कि एनिमल्स को नहीं किल किया जा सकता, बट रेड पांडास जो आपके होते हैं उन्हें जो लोकल प्यूपल होंगे, ठीक है, वहाँ के लोकल एरिया के जो प्यूपल होंगे, अपने ट्रेडिशनल वेपन से उनकी हंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच मेम्बर ऑफ द कैट फैमिली हंट्स प्राइमरली ड्यूरिंग द डे। कौन सी फैमिली कैट फैमिली का मेम्बर है, पहले तो चीता कैट फैमिली का मेम्बर होता है, जो कि मॉर्निंग में या सुबह में प्राइमरली सबसे पहले क्या करता है आपका, हंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ब्रीड ऑफ डॉग वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन जर्मनी टू हंट बैजर्स, ठीक है। तो कौन से डॉग हैं, कौन से ब्रीड की डॉग हैं, मतलब जैसे आपकी इंसानों में ह्यूमन से बहुत सारी कास्ट सिस्टम होता है, ऐसे ही आपकी ब्रीड्स होती हैं, ठीक है। डॉग्स में तो कौन सी ब्रीड है जो बैजर्स के हंट में यूज होती है, उसका नाम है डैचशंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वॉट टाइप ऑफ एनिमल आर अनगुलेट्स। कौन से जानवर हैं जो कि अनगुलेट्स करते हैं, वो आपके एनिमल से हो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू सॉ द एंडेंजर्ड बर्ड इन गुजरात यू वुड हैव स्पॉटेड। अगर आपको एक एंडेंजर्ड बर्ड मिले गुजरात में, ठीक है, तो आप क्या स्पॉट करोगे, इंडियन वाइल्ड एस मीन्स गधे, जो इंडियन के जंगली गधे होते हैं, ठीक है, इंडिया के। विच बर्ड इज नोन टू समटाइम्स स्वालो डायमंड्स टू ब्रेक फूड इन इट्स गीजर्ड। कुछ बर्ड्स आपके ऐसे हैं जो कि डायमंड्स को स्वालो कर देते हैं, ठीक है, अपने फूड को ब्रेक करने के लिए, वो है आपके ऑस्ट्रिच, ठीक है। नेक्स्ट, विच क्रिएचर फाउंड इन द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज सून्स फॉर सुसू इन नॉर्थन इंडिया। रिवर डॉल्फिन, जो आपकी रिवर डॉल्फिन होती है जो कि रिवर गंगा में पाई जाती है, उसका दूसरा नाम क्या है, सुसू और सून्स। तो आप चैप्टर 7 है रिकग्नाइजिंग रेप्टाइल्स, इन्हें आप बुक से देख कर फिल कर लेना। हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, एनिमल्स रिलेटेड टू मिथ एंड लेजेंड्स। विच मिथिकल क्रिएचर इज डिस्क्राइब्ड एज अ ह्यूज बैट विंग फायर ब्रीदिंग स्कार्ली लिजर्ड और स्नेक विद अ बार्बर्ड टेल, ठीक है। स्फिंक्स, क्या है आपका, स्फिंक्स, जिसकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं आपकी बैट विंग होती है, फायर ब्रीदिंग होती है, मीन्स आपको फायर करता है। ये सब मिथिकल है, ठीक है, माइथोलॉजिकल है, मीन्स ऐसा बोला गया कि शास्त्रों में ऐसा पहले थे, ठीक है, ऐसा देखा नहीं किसी ने। नेक्स्ट, द विंग हॉर्स फाउंड कॉमनली इन ग्रीक माइथोलॉजी इज नोन एज पीगसस, ठीक है। तो ये आपकी ग्रीक माइथोलॉजी है, ग्रीक एक कंट्री है आपकी, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है वहाँ की, तो इसे वहाँ पर वहाँ की माइथोलॉजी है, मतलब वहाँ के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक विंग हॉर्स है, मतलब जिसके पंख होते हैं उसे क्या बोलते हैं वहाँ पर, पीगसस। विच लेजेंडरी बर्ड इन द रामायण हैड ट्राइड टू स्टॉप रावण व्हेन ही कैरीड अवे सीता। तो कौन सा आपका बर्ड था जिसने रावण को रोका था सीता को ले जाने से, रामायण में लिखा हुआ है ऐसा, जो कि आपका आंसर है जटायु, ठीक है, ये भी माइथोलॉजिकल है। द मिथिकल बर्ड दैट इमर्जेस फ्रॉम इट्स ओन एशेज, ऐसा कौन सा मिथिकल बर्ड है, जो माइथिकल बर्ड है, जो कि अपने ही एशेज से अपने ही राग से बना है, उसका नाम है फिनिक्स। नेक्स्ट, डैश इज अ क्रिएचर विच इज पार्टली ह्यूमन एंड पार्टली हॉर्स, दिस इज सेंटोर, इन्हें सेंटोर बोलते हैं, ये भी माइथोलॉजिकल है, ऐसा रियल में नहीं है। नेक्स्ट, इन इजिप्शियन एंड ग्रीक आर्ट एंड लेजेंड विच
माइथिकल क्रिएचर हैज अ लायंस बॉडी एंड अ ह्यूमन हेड, ऐसा कौन है जिसकी बॉडी लायन की है लेकिन उसका सर इंसानों की तरह होता है, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, स्फिंक्स, SPHINX, स्फिंक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी दिस फेमस स्नेक इज वन ऑफ द सेवन नागास विच होल्ड अप द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ को, पूरे अर्थ को होल्ड अप करके रख रखा है, जिसमें उसका नाम है आपका कालिया। एक मिनट, लेट मी चेक इट। नेक्स्ट, डैश इज मिथिकल मॉन्स्टर सपोज टू लिव इन द हिमालय, जो कि आपको हिमालय में ऐसा मॉन्स्टर है, राक्षस है जो मिलता है, उसका नाम क्या है, ये थी दो ह्यूमन एवरी फुल मून नाइट आई टर्न इनटू अ हाउलिंग वोल्फ, इन्हें बोलते हैं वेयर वोल्फ, जो कि जब फुल मून होता है तो इसमें बन जाते हैं वोल्फ में, वैसे आपके ह्यूमन रहते हैं। इन हिंदू माइथोलॉजी हुज वाहन इज अ बफेलो, यमराज, तो जो हमारा हिंदू माइथोलॉजी है उसमें यमराज इस पर बैठ कर आता है बफेलो पर, सांड पर। हुज थंब डिड द्रोणाचार्य आस्क फॉर हिज गुरु दक्षिणा, तो एकलव्य गुरु जो द्रोणाचार्य थे उनके शिष्य थे, ठीक है, तो उन्होंने एज अ फीस एज अ गुरु दक्षिणा उनसे उनका क्या ले लिया था, अंगूठा, ठीक है, उनका थंब उनसे ले लिया गया था। नेक्स्ट आपका अमेजिंग इंसेक्ट्स, ये भी आप बुक से पढ़ना, ठीक है, फिल करना। हम बढ़ते हैं चैप्टर 10 ऑर्निथोलॉजी, जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन इन चैप्टर्स के आपको वर्कशीट भी मिलेगी, ठीक है, बाकी चैप्टर्स आपको कॉपी में नहीं करने, डायरेक्टली बुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी, देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, तो उन एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम वार्म, जब आपकी जैसे मुर्गी होती है अपने एग पर बैठ जाती है उसे गर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द सब्सटेंसेज दैट आर मेनली फाउंड इनसाइड एन एग, जो कि एग के अंदर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन्स। बेबी बर्ड्स बीन फाउंड इनसाइड द एग नीड एयर टू ब्रीथ, वेयर इज द एयर सेल लोकेटेड इन एन एग एट द लार्जर एंड, जो लार्जर एंड होते हैं एग के, ठीक है, वहाँ पर उनका ब्रीदिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट, विच फैटी सब्सटेंस इज कंटेंट इन द हेंस एग, तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपको मुर्गी के अंडे में मिलता है, इससे आपका फैट इंक्रीज होता है। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन एग, एक मिनट इसका नाम से देख, मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है। ठीक है, जर्म ही है इसका आंसर, क्या है, जर्म ही लग रहा था, वाइट आंसर, बट इसका आंसर जर्म है, ठीक है। द हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन एग इज कॉल्ड इट्स शेल, ठीक है, जो वाइट कवरिंग होती है बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे हम क्या बोलते हैं, शेल। विच बर्ड्स एग आर मोस्ट कॉमनली ईटन बाई ह्यूमन हैंड, ज़्यादातर किसके अंडे खाते हैं, मुर्गी के। विच बर्ड लेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड दैट इज ऑस्ट्रिच, जिसका अंडा करीब 2.5 किलो का होता है। विच बर्ड लेज द स्मॉलेस्ट एग, हमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है। द स्टडी ऑफ द बर्ड्स एग इज कॉल्ड ऊलॉजी, जो आप स्टडी करते हो बर्ड के एग्स की, अंडों की, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊलॉजी, ठीक है। तो इसका आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।